आज की वीडियो में हम नसों में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत ही कॉमन है नसों में दर्द होना या फिर नसों में झंझनाट होना तो नसों में दर्द को हम न्यूरोपैथिक पेन या फिर न्यूरलिया भी बोल देते हैं इसके बहुत ही कॉमन साइन है वीकनेस हमें कमजोरी महसूस होती है नमनेस हमें सुनपन महसूस होता है हमें दर्द होता है और पिकिंग सेंसेशन यानी कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोई सुइयाँ छुब रहा है तो ये सभी नसों में दर्द के बहुत ही कॉमन साइन हैं तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नसों में दर्द के क्या क्या कारण होते हैं और उसके लिए कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं तो पहले हम जान लेते हैं कि नस या फिर नर्व क्या होती है देखिए हमारी पूरी बॉडी में नर्व पाई जाती है जो कि हमारे ब्रेन से स्टार्ट होकर हमारे पूरी बॉडी में जाती हैं हमारे शरीर में दो तरह की नसें पाई जाती हैं एक होती है सेंसरी और एक होती है मोटर जो मोटर नर्व्स होती है वो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स को लेकर हमारे सभी बॉडी पार्ट तक जाती हैं जबकि जो सेंसरी नर्व्स होती है वो हमारे बॉडी पार्ट से सिग्नल्स को लेकर हमारे ब्रेन तक पहुँचाती हैं तो पहले हम जान लेते हैं कि किन लोगों में नसों वाली प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है नंबर वन विटामिन डी की कमी जिन लोगों में विटामिन डी की कमी रहती है तो उनमें नसों की प्रॉब्लम हो सकती है नंबर टू विटामिन बी ट्वेल्व की कमी तो विटामिन बी टवेल्व की कमी हो जाने पर भी हमारी नसों में समस्याएँ हो सकती हैं नंबर थ्री मधुमेह या फिर डायबिटीज़ तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो उनकी नसों में सूनपन या फिर झंझनाहट महसूस हो सकती है इसके अलावा आई बी डी यानी कि इरीटेबल बोवेल सिंड्रोम यानी कि जिन लोगों का पेट साफ़ नहीं रहता है तो उनमें भी नसों की प्रॉब्लम हो सकती है किडनी की बीमारी और जो लोग स्मोकिंग या फिर अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उनमें भी नसों वाली प्रॉब्लम हो सकती है तो देखिए हमारी नसों के ऊपर एक सीध पाई जाती है जिसे कि हम मायलिन सीत कहते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिजली के तार होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग पाई जाती है उसी तरह से हमारी नसों के ऊपर एक सीध पाई जाती है तो जब भी इस सीध में कोई प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि ये कमज़ोर हो जाती है या फिर टूट जाती है तो उससे हमें नसों में दर्द हो सकता है या फिर नसों से होने वाली अन्य समस्याएँ हो सकती हैं अब हम जान लेते हैं कि नसों से संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है तो नंबर वन पेरीफल न्यूरोपैथी तो इसमें हमारे हाथ पैर की नसों में झंझनाहट या फिर दर्द महसूस होता है तो जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है और नंबर टू सियाटिका तो इसमें हमारी कमर से लेकर हमारे पैर तक झंझनहट या फिर दर्द महसूस होता है नंबर थ्री टिनाइटिस तो इसमें हमारे कान में ऐसा लगता है जैसे घंटियाँ बज रही हूँ नंबर फोर एपिलिपसी जिसे कि हम आम भाषा में दौरे पड़ना भी बोल देते हैं इसके अलावा सेरिब्रल पैलसी बैल पैलसी पार्किसन डिसीज़ एल्जाइमर डिसीज़ एंड डिप्रेशन तो ये सभी नसों से संबंधित बीमारियां हैं तो हमें इसका ट्रीटमेंट करने से पहले इसके कारण को जानना जरूरी है यानी कि जो हमारे नसों में दर्द है या फिर जंझनहट है उसका कारण क्या है तो इसके लिए बहुत से टेस्ट भी कराए जाते हैं जैसे कि सी बी सी या फिर कंप्लीट ब्लड काउंट तो इससे हम जान पाते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन या फिर हमारे अंदर ब्लड कितना है क्योंकि कभी कभी ब्लड की कमी से भी हमारे हाथ पैर में दर्द होता है नंबर टू ई एस आर नंबर थ्री विटामिन बी ट्वेल्व नंबर फोर विटामिन डी नंबर फाइव एच बी ए वन सी तो ये शुगर के लिए कराया जाने वाला टेस्ट है जिससे हम जान पाते हैं कि हमारे पिछले तीन की सुगर कितनी रही है इसके अलावा के एफ टी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट एंड लास्ट यहाँ पर एल एफ टी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट तो ये सभी टेस्ट आप करा सकते हैं अब हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो पेशेंट की कंडीशन को देखकर इस्तेमाल की जाती है यानी कि उसमें किस चीज़ की कमी है या फिर उसे कौन सी बीमारी है तो यदि किसी में विटामिन बी ट्वेल्व की कमी रहती है तो ऐसे में उसे न्यूरोबैन फोर्टी टैबलेट या फिर न्यूरोकाइन टैबलेट दी जाती है या फिर इसका इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है इसके अलावा यदि किसी में विटामिन डी की कमी रहती है तो ऐसे में उसे विटामिन डी की टैबलेट या फिर विटामिन डी का सेकेट दिया जाता है तो इसके लिए काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है सिपकल डी या फिर कोलेक् एल्सीफेरॉल सेकेट जो कि 60,000 थाउजेंड में मिल जाता है यदि इसके अलावा मरीज को कोई बीमारी रहती है जैसे कि डायबिटीज़ तो हमें उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना होता है तभी उसके जो हाथ पैर की नसों में दर्द है या फिर झंझनाहट है उसमें उसे आराम मिल पाएगा तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम के कोस को ठीक करना होता है कई बार यदि पेशेंट के बहुत तेज़ दर्द होता है तो ऐसे में हम कुछ पेनकिलर मेडिसिन भी दे सकते हैं और साथ में हम यह भी जान लेते हैं कि यदि आपके नसों में दर्द रहता है तो आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो देखिए इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हें हम न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं तो आप एक न्यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या फिर आप एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर से भी मिल सकते हैं